हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मेडा। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ जून 2021। जून 2021 के फोर्थ वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लास के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे, द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ जून फोर्थ वीक। ठीक है, एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड क्लासेस के अपडेट्स पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खुद को रजिस्टर कीजिए ताकि आपको क्लासेस का अपडेट्स मिलते रहे। तो मिसलेनियस जी के मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ फोर्थ वीक ऑफ जून 2021 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम डेज की बात करेंगे। डेज की बात करें तो सबसे पहले होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि होता है 20 जून को, जो कि 20th ऑफ जून को ऑब्जर्व करते हैं हम। 20 जून को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम रहा टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, इट इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2021। 2021 में जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया गया 20 जून को, देखिए रिफ्यूजीज जो होते हैं उनके लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमारे रिफ्यूजी पीपल्स होते हैं उनके लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। सेक्सुअल वायलेंस को खत्म करने के लिए यहां पर एक दिन ऑब्जर्व करते हैं 20 जून को ही। इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। तो इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो इसके सर्वाइवर्स हैं उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे या फिर वर्ल्ड योगा डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये होता है हर साल 21 जून को, हर साल ये 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2021 में इस योगा डे का थीम क्या रहा, डेट इज योगा फॉर द वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग ये इस बार इसका थीम रहा। नेक्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे ये भी 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। 21 जून को एक तरफ हमने देखा योगा डे होता है, दूसरी तरफ ह्यूमनिस्ट डे। और भी कुछ डेज देखेंगे हम 21 जून को, 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। क्लियर, दैट इज ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन, इसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे दैट इज, ये भी हर साल 21 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 21 जून को क्या देखा हमने, योगा, क्लियर, ह्यूमनिस्ट, अब क्या देख रहे हैं, हाइड्रोग्राफी डे होता है। तो इस बार इसका थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम रहा दैट इज 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द हाइड्रोग्राफी, ये इस बार इसका थीम रहा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये कब होता है, ये भी हमारे पास 21 जून को ही होता है। तो 21 जून को हमने चार दिन देखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने देखा योगा डे, क्लियर, उसके बाद हमने देख लिया म्यूजिक डे, नेक्स्ट हमने देखा ह्यूमनिस्ट डे एंड नेक्स्ट हमने देखा हाइड्रोग्राफी डे। तो ये चार दिन हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब ओलंपिक को लेके ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को, हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 23rd ऑफ जून को। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा, स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23rd ऑफ जून, ये इस बार इसका थीम रहा। देखिए 2021 में जो ओलंपिक्स है ये टोक्यो में किए जाएंगे, ये कहाँ होने वाले, टोक्यो जापान के अंदर। ये 2020 में होने वाले थे, COVID-19 नॉर्म्स के चलते हुए इनको पोस्टपोन किया गया, COVID-19 टर्म्स के चलते इनको पोस्टपोन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज
नेक्स्ट हमारे पास आया इंटरनेशनल विडोज डे। तो देखिए जो विडोज होती हैं, ठीक है, जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। कब होता है दिन? ये दिन होता है 23 जून को एक तरफ से ओलंपिक डेज भी होता है, 23 जून को एक तरफ यहाँ पर विडोज डे भी होता है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट होता है विटिलिगो डे। विटिलिगो डे की बात करूँ तो एक डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है, जिसके चलते हुए हमारे जो चेहरा होता है इस पर तरह तरह की शेप्स आने लग जाती है, चेहरे पे तरह तरह के जो कलर होता है स्किन का, ये लॉस होना शुरू हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं, दैट इज विटिलिगो। तो इस डिसीज के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड विटिलिगो डे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जो बेसिकली दुनिया भर में जो ड्रग का इस्तेमाल होता है और ड्रग की स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने के लिए एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। कब होता है दिन? ये दिन होता है 26 जून को। ये दिन होता है 26 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार इसका थीम क्या रहा? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किताब। अब हम बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक किताब आती है। तो इस किताब को आप देख सकते हो, इसका टाइटल क्या है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस। तो ये किसकी लिखी हुई किताब है? द फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड जी की ये किताब है। द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड जी की लिखी हुई किताब है ये, रस्किन बॉन्ड साहब की किताब है ये। देखिए पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुक। पहली बुक, अगर किसी बुक को कोई अवार्ड मिला हो। दूसरी चीज, किसी फेमस राइटर ने उस किताब को लिखा हो, किसी फेमस राइटर ने। नेक्स्ट, किसी फेमस पर्सन के ऊपर लिखी गई हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो या किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो। नेक्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है, या प्रेसिडेंट के ऊपर वो किताब लिखी गई हो या उन्होंने रिलीज करी हो, तब ये किताब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी फेमस पर्सनालिटी ने रिलीज किया हो या उसके ऊपर लिखी गई हो, तो ये फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, इनकी लिखी हुई किताब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, एक और बुक आती है, माई जॉयज एंड सोरस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। तो ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी की किताब है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इन्होंने इस किताब को लिखा है, माई जॉयज एंड सोरस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। नेक्स्ट, द सेवन साइंस ऑफ बींग अ मदर। द सेवन साइंस ऑफ बींग अ मदर ये द फेमस जो हमारे आयुष्मान खुराना साहब है, ठीक है, उनकी जो बीवी है ताहिरा कश्यप खुराना, उनकी लिखी हुई किताब है ये, द सेवन साइंस ऑफ बींग अ मदर, ये उनकी लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट, द नटमेकर्स द फेमस ऑथर अमिताभ घोष साहब का किताब है ये, अमिताभ घोष जी की बुक है ये, द नटमेकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक किताब जिसका नाम है विल। ये विल ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये विल इज एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? विलर्ड कैरोल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी है ये। विलर्ड कैरोल स्मिथ कौन है? ये द फेमस अमेरिकन एक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं ये, तो इनकी लिखी हुई किताब है ये, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इन्होंने एक पर्सन के साथ मिलकर लिखी है जिनका नाम है मार्क मैनसन के साथ इन्होंने मिलकर इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत होस्ट करने जा रहा है, दैट इज द 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल इन 2022। भारत 2022 में एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल होस्ट करने जा रहा है। पहले इसने इसको होस्ट किया था, भारत ने 2019 में अबू धाबी को साथ मिलकर इसको को होस्ट भी किया था। अब इंडिया 2022 में इसको होस्ट करने जा रहा है, दैट इज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जिसका हेडक्वार्टर रियाद में है, रियाद सऊदी अरेबिया में। तो विच कंट्री सेट टू होस्ट द 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, दैट इज इंडिया इन 2022। नेक्स्ट बात करेंगे फिलेंथेरोपिस्ट की। फिलेंथेरोपिस्ट मतलब दानवीर। पिछली सेंचुरी में अगर मैं बात करूं, इस सेंचुरी में किसने सबसे ज्यादा दान किया, कौन रहा सबसे बड़ा फिलेंथेरोपिस्ट, तो ये एक लिस्ट, एक इंडेक्स पब्लिश किया गया, दैट इज बाय द जॉइंटली बाय द एडेलगिव एंड हुरन इंडिया ने मिलके इसको पब्लिश किया है, और भारत के जमशेद जी टाटा साहब इन्होंने टॉप किया, ये इस लिस्ट में नंबर वन पे रहे। टोटल जो डोनेशन यहाँ पर आई सेंचुरी में वो बताई गई है, दैट इज $832 बिलियन। और जो टॉप 50 हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो US के हैं, उसके बाद UK के हैं, उसके बाद चाइना के हैं, उसके बाद इंडिया के सिर्फ दो हैं, पोर्टुगल का एक है, स्विट्जरलैंड का एक है। टॉप 50 की मैं बात कर रहा हूँ।
क्लियर, सबसे ज़्यादा यूएस के पीपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्होंने डोनेट किया 1892 से लेके, ये है एस्टिमेटेड करंट वैल्यू ऑफ डोनेशन, दैट इज़ द 102.4 बिलियन डॉलर। जब सेठजी टाटा इन्होंने टॉप किया, रतन टाटा, ठीक है, आज मैं बोल सकता हूँ यहाँ क्या की पर्सन। उसके बाद मिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने किया 74.6, ये सेकंड नंबर पे रहा। उसके बाद हेनरी वेलकम, ये हमारे पास थर्ड नंबर पे हैं। एक और भारतीय है जो वो 12th नंबर पे आते हैं, जिनका नाम है अजीम प्रेम जी। इस लिस्ट में वॉरेन बफे भी हैं पांचवें स्थान पे, 37.4 बिलियन डॉलर्स। चलिए बाकी आप देख सकते हो किस किस का नाम है। भारत के हैं जमशेदजी टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द बेस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया, द बेस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया एज पर द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2020। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो लिवेबल सिटी है वो है ऑकलैंड, और भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत का है बेंगलुरु ने टॉप किया। उसके बाद सेकंड पे आता है चेन्नई, थर्ड पे आता है शिमला, फोर्थ पे आता है भुवनेश्वर उड़ीसा, पांचवें पे आता है मुंबई। यह है टॉप 5 सिटीज, दैट इज जो कि टॉप सिटीज हैं लिवेबल सिटीज। क्लियर, किन पैरामीटर्स के आधार पर? क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक अबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंड सिटीजन परसेप्शन, इनके आधार पर। नेक्स्ट, इंदौर और सूरत को मिलता है क्या बेस्ट स्मार्ट सिटीज अवार्ड ऑफ 2020। बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2020 इंदौर और सूरत दोनों सिटीज को जॉइंटली मिलता है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, सूरत जो कि गुजरात के अंदर है, इन दोनों को मिलता है। एंड बेस्ट स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ट स्टेट रहता है उत्तर प्रदेश, बेस्ट स्टेट रहा उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड पे, और थर्ड पे रहा तमिलनाडु। एंड यूटीज की बात करूँ तो सबसे बेस्ट रहता है चंडीगढ़, सबसे बेस्ट है चंडीगढ़ यूटीज की अगर मैं बात करता हूँ। स्मार्ट सिटीज की बात करें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अवार्ड की बात करें, केरला के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है मिस्टर के श्री के शैलजा जी, ठीक है, तो सॉरी मिस, शी इज अ फीमेल, ठीक है, तो के शैलजा जी, इनको एक अवार्ड मिलता है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से। इनको मिलता है ओपन सोसाइटी प्राइज ऑफ 2021, ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर द 2021 इनको दिया जाता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर हंगरी में, हंगरी बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर। तो के शैलजा एज अ टीचर इन्होंने बहुत अच्छा जो डेडिकेट किया, बहुत अच्छा वर्क किया, तो जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये हैं भारत के इंटरिम नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। देखिए हमारे पास एक बॉडी होती है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि 1964 में बनाई गई थी, इसका काम है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन होती है उसको लेके वर्क करना, विजिलेंस करना, उसको देखना। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इसके अंदर, और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। अभी दो में से एक विजिलेंस कमिश्नर है जिनका नाम है सुरेश एन पटेल। अब इस बंदे को यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की कुर्सी पे एक्टिंग एज अ टेम्परेरी बैठा दिया गया है, जब तक कोई परमानेंट बंदा अपॉइंट नहीं होता। क्लियर हुआ आपको? यानी कि तीन कुर्सियों पे सिर्फ एक, तीन कुर्सियां हैं, एक पहले से खाली है, तो एक अभी खाली हुई, रिटायर हुआ, तो दो कुर्सियों पे एक बंदा बैठा हुआ है, आप ये समझ लीजिए। यानी कि पूरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यही संभाल रहा है, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आर्मेनिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे, अभी फिर से चुनाव हुआ तो इन्होंने जीत लिया, इनका नाम है निकोल पशियन। आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन, और करेंसी चलती है ड्रैम। नेक्स्ट देखते हैं, वन प्लस ने यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके वेरिएबल्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, दैट इज जसप्रीत बुमराह, द क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह जी, इनको क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करीम खान जी बन चुके हैं चीफ प्रोसिक्यूटर इनको नियुक्त किया गया है। करीम खान साहब ये ब्रिटिश लॉयर हैं, इनको यहाँ पे नियुक्त कर लिया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर दी हेग में है, दी हेग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मव्या सुडान। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, ये बनी है पहली फीमेल फाइटर पायलट, दैट इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर से पहली फीमेल फाइटर पायलट ये बनी है, जिनका नाम है माव्या सुडान।
चलिए माव्या सुडान द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने यहां पर जीत लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि 1909 में बना था उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2019 में शुरू किया गया था और 2021 में अभी इसका फाइनल प्ले किया गया है। तो ये अभी फाइनल मैच जो है ये एगिस बॉल स्टेडियम जो हमारा है दैट इज इन द साउथहैम्पटन इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे प्ले किया गया। टॉप यानी कि जीता है, पहले नंबर पर रहा न्यूजीलैंड, सेकंड पे आया भारत, तीसरे पर आया ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर रहा ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप थ्री कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगला जो है ये 2021 से 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट, मैक्स वेस्टेपन जो कि रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टेपन ने। स्टीरियन भी इन्होंने जीता। नेक्स्ट, कर्णम मलेश्वरी साहब, इनको अपॉइंट कर दिया गया दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर। ये पहली भारतीय वुमेन थी जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिला था, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, ठीक है। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो पहली भारतीय महिला बनी थी ये मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्टर टैडेंग मिनू, ये पहली भारतीय वुमेन बनी है जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी में अपॉइंट की गई है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी में जिनको मेंबर अपॉइंट किया गया है, ये पहली भारतीय महिला बनी है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ लैंड यहां पे डोनेट करेगा, लैंड लीज पे देगा किसको? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को, बोकारो के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। देखिए, झारखंड के अंदर दो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी हैं, एक जमशेदपुर में है, एक रांची में है, और तीसरा भी बनाया जा रहा है, दैट इज बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर। तो जिसके चलते हुए 33 साल के लिए 20.17 एकड़ जो लैंड है ये लीज पे दिया जाएगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, मनप्रीत सिंह जी, देखिए यहां पर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी इवेंट्स को देखे, मेल और फीमेल यानी कि मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन अपॉइंट किए गए हैं। तो देख लेते हैं, मेंस हॉकी टीम की सबसे पहले बात करूं तो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट है वीरेंद्र लकरा, वाइस प्रेसिडेंट टू है हरमनप्रीत सिंह। वही अगर मैं वुमेन की बात करूं तो कैप्टन है रानी रामपाल, वाइस प्रेसिडेंट वन है दीप ग्रेस अक्का और वाइस प्रेसिडेंट टू है सविता पुनिया। तो ये है भारत का हॉकी टीम जो कि ओलंपिक्स में जाएगा, टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट, भारत का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग यह है लक्ष्य तेरे सामने है। इस गाने को गाया मोहित चौहान ने एंड इसके जो लिरिक्स हैं ये लिखे हैं इनकी बीवी प्रार्थना गहलोते जी ने। इसके जो लिरिक्स हैं लिखे और मोहित चौहान ने इस गाने को गाया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन स्विमर जिनका नाम है केली मैकॉन, इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 मीटर वुमेन्स बैक स्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, क्लियर। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, डेट इज 57, ठीक है, तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट, जॉन मैकैफे, देखिए जो मैकैफे एंटीवायरस था उसके जो फाउंडर थे जिनका नाम था जॉन मैकैफे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, इन्होंने सुसाइड कर लिया एक्चुअल में, कुछ टैक्सेशन वायोलेशन को लेके इनको जेल हुई थी जिसके चलते हुए इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जॉन मैकैफे अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। चलिए, ये था आज का हमारा मिसलेनियस जीके, ये था आज का हमारा मिसलेनियस करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत लिमिटेड टाइम में कवर अप किया है, बहुत शॉर्ट टाइम में हमने इसको कवर अप किया है। मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट आपके लिए करूँ, कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ। और अगर क्लास के दौरान किसी तरह का डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर लिखिएगा, प्रॉब्लम ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है फॉर द मोर अपडेट्स। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।